एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडल ईस्टर्न पावर। मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा तो यहाँ पर तो कहीं भी वो मुसलमान भाइयों वाली जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान एक मुट्ठी के मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद है, एक को तकलीफ हो तो दूसरा भी दूसरे में तकलीफ में रहता है। आप प्रेफर कर रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट को देख लें, इंडिया को उन्होंने फ्रंट फुट पर रखा हुआ, पीछे वो खुद जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट, $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। यूएई ने चाइना के बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे। हमारे जो पाकिस्तानी है उनको यूएई वीजा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीजा की कितनी ज्यादा तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करे। इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो समझौते किए उससे भारत को 15 सालों के लिए बड़ी सौगात मिल गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल तक के लिए एलएनजी सप्लाई की। मुसलमान ठीक है, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ ठीक है वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या आए हैं मुझे बताएं। गाली दे रहे हैं आप यूएई को ऑन कैमरा, ठीक है, क्यों गाली दे रहे हैं कि वो इंडिया के साथ मिलके काम कर रहे हैं? यूएई इंडिया ने एक पैक्ट साइन करा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रन करने का। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास साइंटिस्ट हैं, भारत के पास इंजीनियर्स हैं, भारत के पास वो वर्कफोर्स है। तो भारत ने बोला है कि साहब हम आपको सर्विस देंगे और आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हम उनको ऑपरेट भी करेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अग्रीमेंट डिटेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। भारत की तरफ से भुवन चंद्र पाठक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करा है और एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन ENEC में मोहम्मद अल हमादी ने साइन करा है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान टू इंडिया, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिस्कशन करा और बाकी चीजों में भी एक कोलैबोरेशन, एक फ्रेमवर्क की बात करी है। वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन्स। दोस्तों सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, आप एक घड़ी भी लेते हैं ना, घड़ी के अंदर भी पुर्जे 5 देश से आते हैं तब जाके वो घड़ी बनती है। आजकल की सप्लाई चेन ऐसी हो गई है और यूएई के साथ तो हमारी वो सप्लाई चेन है दोस्तों जिसका कोई मतलब इक्वल नहीं हो सकता, दैट इज एनर्जी। एनर्जी इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। तेल आता रहेगा गाड़ी चलती रहेगी, जिस दिन तेल नहीं आया उस दिन गाड़ी बंद। इसलिए हमें दोस्ती करना बहुत जरूरी है। इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अरब वर्ल्ड का पहला एनर्जी पावर प्लांट है और यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया को प्रेफर करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडिया और यूएई के दरमियान साइन हुआ। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने देखा होगा कि इंडिया ने यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला, उसके बाद IIT जो है वो यूएई के अंदर खुल गया और अब इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो आजकल की दुनिया है वो इनोवेशन की दुनिया है और जो इंडिया है वो पहले भी जो तरक्की है उसमें दुनिया से तकरीबन बहुत आगे है। और अगर हम एशिया की बात करते हैं और एशियन कंट्री में अगर इंडिया को देखते हैं तो वो तरक्की में सबसे आगे है और इस दौर में वो हमेशा से रहा है और उसकी कोशिश रही है। बाकी बात करते हैं कि जो अभी का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जो है यूएई के साथ हुआ है, तो सबसे पहले उसकी तो मुबारकबाद है इंडिया को कि वो जिस राह पर चलना चाहते हैं या जो वो कामयाबी और जो जिस काम के ऊपर वो लगे हुए हैं और वो उसको जो है सर अंजाम दे रहे हैं। अब यूएई जो है वो चाइना को भी इस एग्रीमेंट के लिए, इस न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए साइन कर सकता था, लेकिन उन्होंने चाइना को छोड़कर इंडिया को प्रेफर किया और इसने मैं कह रही पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। देखिए ये होती है आपकी पॉलिसीज के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि जब आपकी जो अगर आप देखते हैं कि जो चाइना है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की उसने की है और जो भी आप किसी भी चीज़ में जो किरदार देखते हैं वो चाइना का ही हमेशा से देखते चले आए हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनोवेशन नहीं आती है वो हमेशा से चाइना लाता है। लेकिन अगर आप बात करें IT की तो IT में जो इंडिया का एक नाम है और वो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है IT की वजह से। अब यही चीज़ें हैं कि वो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम
की जो रास्ते हैं वो भी खोलता चला जा रहा है और वो तमाम तर लोगों के साथ बाकी ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है और अपनी वो जगह बना रहा है। और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। जब आप के आपके जो लोग होते हैं, जब आप उनकी कदर करते हैं, जब आप टैलेंट आगे सामने लाते हैं, तो वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपका नाम दुनिया में बनता है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि बेहतरीन चीज़ें हैं, उनको और भी चीज़ें करनी चाहिए जो दुनिया के साथ उनका नाम। पाकिस्तानियों को ना इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ है कि यूएई को इस तरह के मामला जो है वो पाकिस्तान के साथ तय करने चाहिए थे, ना कि इंडिया के साथ। अब आप देखें कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यूएई वीज़ा भी नहीं दे रहा। आपको पता है हमें वीजा की कितनी ज्यादा तंगी बर्दाश्त करना पड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ वो भाग भाग के हर एग्रीमेंट साइन करें। इवन कि आपको पता है कि कुछ अरसा पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएई का विजिट किया, तो यूएई के क्राउन प्रिंस ने ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात के 4 बजे वेलकम किया, बल्कि उन्होंने वादा किया कि यहाँ पे रहने वाले तमाम इंडियंस मेरी जिम्मेदारी है। के अंदर जो है उन्होंने जो सिविल न्यूक्लियर पैक्ट जो किया है वो भी हमारे सामने मौजूद है, और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो हैं, इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट, $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहाँ पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? इससे ये पता चलता है कि देखिए, जो आप आज तक ये सोचते रहे ना, हम ये सोचते रहे हैं कि जो मजहब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। वो रिश्ते विश्ते ये सब जो है ना, रिश्ते नाते ये कब के ख़त्म हो चुके हैं, दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखिए, एक अरसे तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक अरसे तक अरब कंट्रीज से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर, उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामी बरादरी, बरादराना ताल्लुकात, इन लॉजिक्स की बिना पर भाई साहब आप उनकी से लेते रहे हैं कर्जे, और वो इसी बिना पर एक्सप्लॉइट होके देते रहे हैं कर्जे। अब वो इस सब से इसलिए निकल चुके हैं कि अब दुनिया एक और फेज़ में दाखिल हो चुकी है, हर तरीके से एक ऐसा शिफ्ट है, बल्कि इसको तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स का ये शिफ्ट है, ये एनर्जी शिफ्ट भी कहा जा रहा है। तो जहाँ एनर्जी शिफ्ट की बात की जा रही है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, तो वहीं पर जो इकोनॉमी का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर रिलेशंस का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर सोच का शिफ्ट आ चुका है। अब ये थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो पुरानी थी वो बदल चुकी है, शिफ्ट आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, इस बिना पर हम कर्जा नहीं लेंगे, कि हम भी उम्मा हैं और तुम भी उम्मा हो, इस ये नहीं, ये कोई बात नहीं है, आपसे हमें मिलेगा क्या, वो ये कहते हैं कि क्या मिलेगा हमें बदले में। तो बदले में अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आपने सिर्फ लेना ही लेना है हमेशा, तो फिर वो कंट्रीज भी साथ छोड़ जाते हैं जो कि हमेशा देते रहे। देखिए, हम उनको बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि कितना साथ दिया, बहुत साथ दिया पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मतलब जितने भी जिन लोगों से आपके ताल्लुक आते हैं, टर्की भी, बल्कि टर्की के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ठीक है, ओके, ये थ्योरी या ये आइडियोलॉजी भी चलती रह सकती है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर ऐसी बनाएं। इसी फॉरेन पॉलिसी को इसी बेस पर, इसी नुक्ते पर फिर आप ऐसी बनाकर दिखाएं कि हाँ, लोग आपकी मदद करते रहें, लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो आपको फिर ऐसी करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपने वो करके नहीं दिखाई।